हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं भाली एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी एक्साइटेड होकर बना रहा हूँ। हालांकि मैंने इस वीडियो से बहुत पहले भी बता दिया था कि गूगल में, जी हाँ, ट्रू कॉलर के जगह एक गूगल की फ़ोन कॉल ऐप आने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल फ़ोन के बारे में। जी हाँ, मैं उसको भी एक हफ्ते से रेगुलर यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। चलिए हम आज की वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले अभी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रू कॉलर यूज करते थे तो ट्रू कॉलर एक थर्ड पार्टी है, मतलब वो अभी आपने उसको जो डाटा दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर, जैसे आपके फोन में किसी का नंबर सेव है और उसी वही नंबर को उसी नाम से दूसरे बंदे ट्रू कॉलर यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों उस नाम से उस नंबर को सेव किए हैं। तो ट्रू कॉलर को क्या करता है, अपने डाटा सर्वर पर उसको सेव कर लेता था कि ये नंबर जो है इस बंदे का है और इस उस जो बंदे को जो कोई कॉल करता था तो उसका नाम सामने वाले को दिख जाता था कि ये नंबर जो है इस बंदे का है। तो अभी ट्रू कॉलर ऐसा करता था, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। ट्रू कॉलर में अभी एक आपको पता है फ्रॉड भी हो चुका था पैसे के लेन देन की वजह से। और ट्रू कॉलर एक सेफ नहीं माना जाता, ट्रू कॉलर आपका जो डाटा भी कलेक्ट करता है इसको वेरीफाई कर हो चुका है। और ट्रू कॉलर की वजह से जो आपकी फ़ोन की बैटरी है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। जी हाँ, क्योंकि आपके फ़ोन में जो है डाटा भी यूज करता है, आपके बैकग्राउंड में रन भी होता रहता है, इसके लिए से काफ़ी बैटरी आपकी लॉस होती है और साथ में आपका डाटा भी जाता है और जो आपका डाटा है थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर भी करा जाता है। जी हाँ, अभी ट्रू कॉलर ने हाल में भी बहुत सारे लोगों के डाटा को बेच दिया था। जी हाँ, बहुत ही कम पैसे हैं, अभी ट्रू कॉलर ने अपने डाटा को किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास बेच दिया था आपका डाटा। तो उसी को देखते हुए ना, हाल में अपना गूगल ने अपना एक गूगल फोन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की थी। अभी वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, हालांकि ये भी बीटा टेस्टर में चल रहा है, मैंने इसको बीटा में कर लिया है। अभी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, बट अभी मैं बीटा यूजर ही हूँ। तो वो भी ऑफिशियली और लॉन्च हो चुका है, जो कि मैं उसको एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी एप्लीकेशन अच्छी लगी इसमें। बहुत सबसे मेन बात मुझे क्या लगती है, इनकमिंग और आउटगोइंग की जो लुक है काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में उसको बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मुझे सिम चेंजिंग का उसमें ऑप्शन मिलता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था रहता है। जिससे मैं कॉल करता हूँ किसी अन्य सिम से तो मैं उसमें डायरेक्टली सिम चेंज कर सकता हूँ, मुझे कॉल कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली मेरा उस नंबर से फर्स्ट सिम से कॉल कट हो जाएगा तो सेकंड सिम पे कॉल लग जाता है, मुझे अब कॉल कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो मुझे सिस्टम मेरा काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मुझे एक फीचर इसमें नहीं दिखा, वो है कॉल रिकॉर्डिंग का। तो आई थिंक आने वाला टाइम में इस फीचर को भी जल्दी ऐड कर दिया जाएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में इस फीचर को ऐड नहीं करा है। तो देखते हैं, वेट कर लेते हैं, आने वाला टाइम में इस फीचर को भी ऐड कर देगा फोन कॉल गूगल। और गूगल का फोन कॉल ऐप जो है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि कैसे आप फोन कॉलिंग वगैरह चेंज करते हैं, हम इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे आई बटन में दे देंगे, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आई बटन के साथ साथ आप देख सकते हैं कैसे आपने फोन का जो इनकमिंग देख सकते हैं कितना खतरनाक लगता है। साथ ही अगर आपने गूगल फोन ऐप को अभी तक अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ 7 MB का है, डाउनलोड कीजिए, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। मैं इसको ऑफिशियली यूज कर रहा हूँ, आप एक हफ्ते से बता चुका हूँ, एक बार इसे जरूर यूज कीजिए, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। मैं इसको यूज कर चुका हूँ एक बार, इसको सिंपली कुछ करना नहीं है, मैं इसके बारे में विविध सेटअप बताया हुआ है जो कि ट्रू कॉलर से बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैं इसको विधिवत से समझाया है उस वीडियो बना के, तो आपको उसको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, सिंपली आपको इस वीडियो को क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और इस वीडियो को देख लेना है। इसके बाद आपको पूरा सेटअप कर लेना है, उसमें ज़्यादा सेटअप करना नहीं, सिर्फ आपका डिफॉल्ट में चेंजेस करना है, बाकी कुछ भी इसमें करना नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं 100% आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।